हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं एंड उनका नेक्स्ट मूव आप लोगों के लिए क्या रहेगा। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट होता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइज, आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे शॉर्ट इंग्लिश में रीडिंग्स के लिए ज़रूर फॉलो करिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके और उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, सो हम देखेंगे आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, या फिर आप लोगों का लीस्ट कॉन्टैक्ट है। तो आप लोगों के पार्टनर्स, आपके लवर, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और वो नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं। सो डेफिनेटली मैं डिफरेंट डेक्स यूज़ करूँगी, आप लोगों के सामने लाइव शफलिंग करूँगी। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, पॉजिटिव रहिए और उनके बारे में सोचिए, उन पर फोकस करिए। सो देखते हैं आप जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हो, जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके लवर हैं, उनकी आपके लिए इस टाइम करंट इमोशंस एंड करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं आपके पार्टनर्स। लेट्स सी। सो फर्स्ट है गाइस हमारे पास कार्मा, सैगिटेरियस इनका स्टार साइन हो सकता है। देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन वी हैव एट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। देन है गाइस हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, रिवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, नो कॉन्टैक्ट, लीज कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशन। देन है गाइस हमारे पास फाइव ऑफ वैंड्स, इरिस, लियो, सैगिटेरियस। फिर है हमारे पास द सन, लियो। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वैंड्स, इरिस, लियो, सैगिटेरियस। अच्छा, इस पर्सन की जो गाइस एज है वो मुझे नज़र आ रही है लाइक 28, 33, 35 एंड कुछ लोगों के लिए 19 एज भी हो सकती है। ठीक है, सो आपके पार्टनर इस टाइम आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं। वेट, हैरोफ्रेंड, ओके। सो 25, 35 भी आई थिंक मैंने आपको बता दिया एज, मुझे यही नज़र आ रही है 30+ एंड 20+ इनकी एज अभी तक मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, सो गाइज कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर्स आप लोगों के लिए। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर गया है, आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है इस टाइम। ये पर्सन गाइज डेफिनेटली आप लोगों को छोड़ के चले गया था। ठीक है, आप लोगों का शायद आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है आप लोगों के काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो रहे थे इस पर्सन से, काफ़ी आपका कन्फ्लिक्ट रहा है, काफ़ी फाइट्स हो रही थी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था अपने फीलिंग्स को लेके आप लोगों की तरफ, दैट्स वाई भी आपको शायद फील होता था कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इमोशनल नहीं है आप लोगों के लिए। और मुझे काफ़ी हद तक ये पर्सन लॉजिकल, प्रैक्टिकल बहुत नज़र आ रहा है, इमोशनल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आप ज़्यादा इमोशनल थे बट ये नहीं था इमोशनल। सो उसी वजह से मुझे लगता है पास्ट में आपकी काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होती थी कि आप इस पर्सन से इसीलिए लड़ते झगड़ते थे, कन्फ्लिक्ट इसी वजह से आपका रहा है कि जैसे ये पर्सन आप को इमोशंस अपने एक्सप्रेस नहीं करता था, आपको लगता था ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, आप में इंटरेस्ट नहीं लेता, आपको टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट इस पर्सन से रहना स्टार्ट हो गए, आपकी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी फाइट्स चलना स्टार्ट हो गई, इसीलिए ये पर्सन ने बेहतर समझा आप लोगों से मूव ऑन करना और ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया। बिकॉज कनेक्शन में आप लोगों के कोई मुझे फ़न एडवेंचर पास्ट में नज़र नहीं आ रहा, जो कि ये पर्सन चाहता था, इसीलिए आपसे छोड़ के आपको चले गया। और काफ़ी हद तक इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर आपको शो किया, इमोशनली आपको इस पर्सन की जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी इसने आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। सो अब इनकी फीलिंग्स आप लोगों को लेके यही है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को लेके सोच रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ये भी नज़र आ रहा है जैसे आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आप पर नज़र रखते हैं, बिकॉज आपसे लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे इनका नज़र आ रहा है, लेकिन ये ना दूर की बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहता है और फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हैं और अब आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इस पर्सन ने जैसे आप लोगों के साथ पहले बैड बिहेवियर किया है, अच्छा नहीं किया और आपको छोड़ के चले गए ना, तो उस वजह से ये पर्सन को आपके पास आने के लिए आप थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी। इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स, थोड़े से
मुझे ये इजी कनेक्शन नहीं लग रहा, डिफ़िकल्टीज हैं इस पर्सन को आपकी तरफ आने में, अपने फीलिंग्स को बताने में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अपने कार्मा फेस कर रहा है। यहाँ पे कार्मा की एनर्जी, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास कार्मा का आया है। ये पर्सन अपना कार्मा भुगत रहा है, चाहे ये पर्सन किसी के साथ कनेक्शन में है या ये पर्सन नहीं भी है, ये अपने कार्मा डील कर रहा है। दैट्स वाई इनको अब आप लोगों के साथ जो भी किया है वो गलती रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। एंड ये आप लोगों के पास आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ये पर्सन डेफिनेटली वेट कर रहा है आप लोगों से बात करने का, आप लोगों के साथ फ्यूचर बनाना चाहता है। कुछ लोगों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन किसी और के साथ कमिटमेंट हो सकता है, कमिटेड हो सकता है, या किसी के साथ इंगेज रिलेशनशिप में हो सकता है, या किसी के साथ मैरिड हो सकता है। तो ये वहाँ पे अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, ठीक है। बट आप लोगों के साथ ये पर्सन रीयूनियन करना चाहता है, अब आना चाहता है वापस आप लोगों के पास, बिकॉज इस पर्सन ने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपना बैक शो किया है। आप लोग इस पर्सन का साथ चाहते थे बट इसने नहीं दिया, बट अब ये आपके पास आने की प्लानिंग कर रहा है और स्ट्रेटजी बना रहा है ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन काफ़ी लॉजिकल है। बिल्कुल भी आप इस पर्सन को मासूम और सीधा ना समझिएगा, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मुझे एक आप कह लो कि पॉलिटिक्स टाइप का पर्सन लग रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकल ये पर्सन है और काफ़ी हद तक मुझे आपसे एज में बड़े भी लग रहे हैं। वॉट एवर ये मेल है या फीमेल है, कुछ भी जेंडर है इनका, लेकिन आपसे मुझे एज में बड़े लग रहे हैं ये। अगर बड़े नहीं भी होंगे ना तो ये पर्सन वैसे ही बहुत ही ज़्यादा आप बोलो कि समझदार, इन अ सेंस के बहुत ही ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ करता है पॉलिटिकल, शायद ये पर्सन मुझे लगता है शायद पॉलिटिकल फील्ड से हो सकता है, इस तरह की सियासत करता होगा ये पर्सन इसका प्रोफेशन हो सकता है। बट आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप लोग यूनिवर्स से चाहते हो कि इस पर्सन को अपने अपना कार्मा मिले, इसने आपके साथ जो किया है वो ये पर्सन भुगते। तो वो काफ़ी हद तक मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस पर्सन की लाइफ में अपना खुद काफ़ी लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ आप वो कह रहे हैं कि इस पर्सन की अपनी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ ये पर्सन लड़ता झगड़ता है। शायद ये अपनी फैमिली वालों के साथ लड़ता झगड़ता होगा, अगर इसकी मैरिज हुई हुई है तो ये उनके साथ भी वहाँ पे लड़ता झगड़ता है, ठीक है। हो सकता है इसने अपने घर वालों के कहने पे किसी और के साथ शादी कर ली, या किसी के साथ इंगेजमेंट कर ली है, या कनेक्शन में चले गया है, बट अभी ये पर्सन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टर्ब है, ठीक है। इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसको लगता है जैसे आप इस पर्सन के सोलमेट हो। सो दैट्स वाई आप सन की एनर्जी है, ये कन्फ्लिक्ट खत्म करके आप लोगों के साथ उनको रिजोल्व करके आप लोगों के साथ आगे ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं, ताकि इनको सक्सेस मिले इस कनेक्शन में। चलिए कुछ मजीद देखते हैं। इस पर्सन को फील हो रहा है, यहाँ पे थ्री ऑफ वैंड्स के नीचे है क्वीन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इस पर्सन को फील होता है आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप लोग इतने ज़्यादा ग्रूम कर चुके हो अपनी लाइफ में कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इस पर्सन की तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको लगता है इसीलिए आपकी तरफ आना चाहता है। ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए आप मज़ीद देखते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए, बट ये कार्मा फेस कर रहा है अपना यूनिवर्स से। काफ़ी हद तक कुछ लोगों के पार्टनर्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। देन वी हैव साइकिल इंक्रीज, यस, ये आपके साथ कनेक्शन चाहता है और रास्ता तलाश कर रहा है वहाँ से आप लोगों की तरफ आने का। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल है क्योंकि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ों को फेस करना पड़ेगा आप लोगों के पास आने के लिए, ओके। डबल थ्री मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी थ्री है, ये भी थ्री है। देन वी हैव लेटिंग गो, या इस पर्सन को कुछ, या अगेन थ्री की एनर्जी है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है गाइस, एंड ट्रिपल थ्री नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेटिंग गो, ये पर्सन को लेट गो करके कुछ आपकी तरफ आना है गाइस, ठीक है। सो इस पर्सन को कोई चीज़ अपनी तरफ खींच रही है, जहाँ से ये पर्सन निकल के आपकी तरफ आना चाहता है। डेफिनेटली समवन इज स्टॉपिंग देम, बट ये पर्सन आपके साथ लॉयल है और आपकी तरफ आने के लिए रास्ते ढूंढ रहा है, ठीक है। 33 इनकी एज भी हो सकती है, 32, 23 ये एज भी प्रोमिनेंट है। थ्री लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपकी या इनकी हो सकती है, मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से। देन वी हैव नंबर 8 स्पिरिट, द हीलिंग लाइट, यस, इस पर्सन को एक हीलिंग चाहिए गाइस, और इसको लगता है आप इस पर्सन को हील कर सकते हो,
आप लोगों की तरफ जब ये पर्सन देखता है ना, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी भी है। तो सन लियो स्टार साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस पर्सन का हो सकता है 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से। 38 एज हो सकती है इनकी, 28 एज हो सकती है, बट ये पर्सन अपने आप को हील करना चाहता है। अभी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, लेसन सीखेंगे, उसके बाद इस पर्सन की हीलिंग होगी। डेफिनेटली ये पर्सन फिर अपने उस कार्मिक सिचुएशन को लेट गो करके आप लोगों को रीच आउट करेगा। एंड देन वी हैव नंबर 5 साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी चेंजेस चल रही हैं, एक रिबर्थ चाहते हैं ये आपके साथ भी और अपने लाइफ में भी। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, ये आप देख सकते हो। किंडर पार्टनरशिप, ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं गाइस, अपनी लाइफ को आपके साथ चेंज करना चाहता है ये पर्सन, आपके साथ एंजॉय करना चाहता है, हॉलीडेज हनीमून पे जाना चाहता है। ऑब्वियसली शादी करेगा उसके बाद हनीमून पे जाएगा आपके साथ, तो ये आपको डेट करना चाहते हैं, बड़ी रोमांटिकली आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर्स चाहते हैं उनकी लाइफ में भी चेंजेस आए, ऑब्वियसली रिबर्थ, एक चीज़ को ख़त्म करके ये पर्सन आप लोगों को रीच आउट करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये सिचुएशन कुछ है। ठीक है, 15 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। एंड देन हमारे पास 51 है, इस पर्सन की एज हो सकती है 18 एज हो सकती है, 31 एज हो सकती है, 13 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, 15 51। ठीक है, तो ये आप लोगों को डेट करना चाहते हैं, किंडर्ड पार्टनरशिप, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, एक अच्छी, एक बहुत ही ज़्यादा लॉयल लाइफ टाइम वाली पार्टनरशिप करना चाहता है ये पर्सन, रोमांटिकली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये, और लेट गो करना चाहता है। इस पर्सन का कोई पास्ट है या इस टाइम ये पर्सन काफ़ी सिचुएशंस में गो थ्रू हो रहा है, तो वहाँ से ये अपने आप को हील करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप लोगों के पास आना चाहते हैं आपके पार्टनर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग है आज की, जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है, जिनसे भी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, जो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग है। ये कार्ड्स काफ़ी, ये कार्ड्स कभी नहीं आए, बहुत रेयर होता है ये कार्ड्स कॉम्बिनेशन ऐसे आए। तो लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं और क्या फीलिंग्स आपके पार्टनर्स की। देन वी हैव स्वीटनेस। डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन आपके साथ एक प्यार करना चाहता है। ठीक है, इस पर्सन को पता है यू गाइस आर वेरी स्वीट, आप काफ़ी लविंग हो, आप काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, काफ़ी जेनरस हो, आपके अंदर, आप मेल भी हो तो आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है, केयरिंग की, लव की, आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट करते हो, ये पर्सन भी आपको बदले में वो सब चीज़ें देगा आप। तो इसको लगता है आप काफ़ी स्वीट हो और आपका ये जो लव है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यार भरा, मीठा मीठा प्यार, मीठा स्वीट है यहाँ पर सब चीज़ें। आप हीलर भी हो सकते हो, रिफ्लेक्शन, यू गाइस आर मिररिंग ईच अदर। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, अदरवाइज ये आप लोगों का सोलमेट है, आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, दैट्स वाई ये पर्सन को लगता है जैसे आप लोग इसी के लिए बने और ये आप लोगों के लिए बना है, इसीलिए ना आपके साथ कनेक्शन को अब दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं। पहले नहीं इसको समझ आई पर्सन को, ओबियसली इस पर्सन ने कार्मा आपने लेने थे, यूनिवर्स की तरफ से जो चीज़ें होती हैं रिटर्न वो होनी होती हैं, नो बडी कैन स्टॉप दम, ऑब्वियसली ना आप रोक सकते हो किसी चीज़ को, ना ये पर्सन रोक सकता है, जो होना है वो होके रहना है। तो चलिए मज़ीद कुछ देखते हैं, रोमांस एंजल से, नॉट रोमांस, भी सुपर ऑफ लव से, कि और क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के पार्टनर्स की, आपके लवर्स की, आप लोगों के लिए। 13 31 मुझे यहाँ पे नंबर शो हुआ है डेफिनेटली, तो ये आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ओपोजिट हो, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर रिफ्लेक्शन का कार्ड भी है। देन है गाइस हमारे पास एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट। डेफिनेटली ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है, 19 ये भी है, ये भी 19 नंबर है आपके लिए, 1919 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1010 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 111 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन आपको अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए ना आपको कोई गिफ्ट देगा, समथिंग लाइक पर्ल, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पर्ल दे सकता है आपको, पर्ल वाली रिंग दे सकता है, किस तरह गिफ्ट दे सकता है, सी शेल जैसे होता है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो ये पर्सन आपके साथ एक काफ़ी रोमांटिक है आप लोगों को लेके, ऑब्वियसली आप वाटर वाटर है, तो ये स्मॉल टोकन ऑफ लव होगा इस पर्सन का, आप लोगों को गिफ्ट दे के एक्सप्रेस करना कि वाकई ये पर्सन आपसे प्यार करता है और आप में इंटरेस्टेड है। 10 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, 111 111 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रेजोनेट हो आप लोगों ने वैसे लेना है।
बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। 40 नंबर इंपॉर्टेंट है इस पर्सन की, आपकी एज हो सकती है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका। तो ये पर्सन गहरा गाइस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना, यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, व्हेन वी ड्रीम एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो ये पर्सन ख्वाब देखता है आप लोगों के लिए, नाइट टाइम में स्पेशली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट भी करता है और ख्वाब देखता है। ये पर्सन प्रेजेंट में तो रहता है लेकिन फ्यूचर के ख्वाब देखता है आप लोगों के साथ, क्योंकि इसको पता है जब आप ड्रीम देखोगे, जब आप ड्रीम देखते हैं ना, तो गाइस वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो। अगर आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो जब आप वो यूज़ करते हो ना, स्पेशली नाइट टाइम बिफोर स्लीपिंग, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रही होती हैं आपकी, और वो रियलिटी में आपके सामने आप देखोगे होती हुई। प्रैक्टिकल हैं ये चीज़ें, मैंने खुद ये देखी हैं, ठीक है। तो वो जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वही बता रही हूँ, दिस इज़ ट्रू। तो ये पर्सन प्रेजेंट में है लेकिन फ्यूचर के ड्रीम देखता है, ठीक है। जब ड्रीम देखेगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी 5D से 3D लेवल पे। तो ये पर्सन ड्रीम देखता है ताकि आप लोगों की जो यूनियन है, आप लोगों का कनेक्शन जो है वो रियलिटी में हो, ठीक है, आप लोगों का यूनियन हो और ये पर्सन आपसे मिले, बिकॉज़ ये आपके साथ रिलेशनशिप आगे रखना चाहता है। देन वी हैव न्यू लव। 26 एज हो सकती है आपकी, इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 26 हो सकती है। 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है। तो एम्ब्रेस ऑन अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्टस और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, मैंने आपको बताया स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप लोगों की भी हो रही है, कुछ लोगों की हो चुकी है आप में से। तो ये पर्सन जो है ना गाइस, आपको न्यू लव ऑफर करना चाहता है, ओके। आप स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है कुछ लोगों का। तो ये पर्सन आपके साथ जो कनेक्शन फील कर रहा है ना, इसको पता है ये कनेक्शन बियॉन्ड लाइफ टाइम है, हमेशा चलने वाला, मरते दम तक। तो ये वो कनेक्शन आपके साथ रखना चाहते हैं आपके जो पार्टनर्स। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, आई लव इट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आप लोगों के, अच्छा मैं पहले ना नेक्स्ट एक्शन देख लूँ इस पर्सन का, देन मैं देखूँगी कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव, क्या नेक्स्ट मूव लेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनकी तरफ। फोर ऑफ स्वॉर्ड है हमारे पास, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड देन वी हैव द एम्प्रेस। यस, दिस पर्सन इज थिंकिंग गाइस, आपको चीट करके ये पर्सन यहाँ तो गया है, झूठ बोल के भी गए हैं, तो या वापस आएंगे, कमिटमेंट देने से भागा है, अब ये पर्सन वापस आके आपको कमिटमेंट देगा, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कमिटमेंट देने का आपको। टेम्परस की एनर्जी है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ आगे फ्यूचर बनाना चाहता है। दिस पर्सन वांट्स टू गेट यू प्रेग्नेंट, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, बहुत ज़्यादा लव करता है ये पर्सन आपको, पेडिस्टल पे रखना चाहता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे मैरिज के चांसेस हैं और ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे आपके कनेक्शन में नज़र आ रही है। पहले कमिटमेंट से भागा है, आप आपको कमिटमेंट देगा। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 नंबर बहुत ज़्यादा है ना, रिपीट भी हो रहा है। अब मैं आप लोगों के लिए देखूंगी कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उसको फॉलो करना है गाइज आपने। हमारे पास है यू आर रेडी, यस डेफिनेटली आप लोग रेडी हो हर चीज़ के लिए। मैंने आपको बताया आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या तो प्रोसेस है या हो चुकी है, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकन्ड हो गए हो और आप हील भी हो चुके हो काफ़ी हद तक। नहीं हुए तो हील करिए खुद को, कॉम्प्रोमाइज़, यू आर रेडी, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए गाइज रेडी हो। आस्क योर एंजल, कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर रही हैं तो अपने एंजल से पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज़ आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, ठीक है। अगर आपको इस कनेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो डेफिनेटली गाइज यू विल डू, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।